LLB क्लासेस में पढ़ाई जाने वाली लेवल ला फर्स्ट के पेपर में 5 लेवल लाज हैं, बहुत शॉर्ट। तो लेवल लाज अपने आप में बहुत डिटेल सब्जेक्ट है और बहुत सारे इसमें एक्ट शामिल हैं। इसमें जो शामिल हैं जो एक्ट हैं, इंडस्ट्रियल स्पूट्स एक्ट है 1947, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है 1923, एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948, और ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, और मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948। इसमें सभी में एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वाली बात है, तो इसे मैं एक कॉमन तरीके से बता देता हूँ कि जो इंडिया में लेबर लॉस का ही डेवलपमेंट है वो कैसे। तो सबसे पहले आज़ादी से पहले की स्थिति ये थी लेबर लॉस की, और जो है जब औद्योगिक क्रांति आई और जो है उद्योग लगने शुरू हुए, उससे पहले ख़ास तौर से 1919 से पहले की स्थिति ये थी कि कोई लेबर लॉस लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था। और मेनली जो वो है, जो लेबर के अधिकार थे वो अधिकार थे ही नहीं, उन्हें एक तरह से दास माना जाता था। जो उद्योग का मालिक होता था वही जो है मालिक होता था, और यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह उद्योग में सरकारें थीं, खुद मालिक तो वो सरकार मालिक थी। तो ऐसी स्थिति में जो है लेबर लॉस की एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, लेबर को प्रोटेक्ट करने का कोई भी कानून नहीं था। 1919 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ, औद्योगिक सम्मेलन, जिसमें भारत भी शामिल हुआ, और इसमें सबसे पहले जो दास जैसी स्थिति थी, गुलाम जैसा माना जाता था, उसे ख़त्म करने पे बात हुई। और इस दशा में सबसे पहले बंगाल और बम्बई जो स्टेट था, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों स्टेट हैं मुंबई में, और बंगाल में जो बांग्लादेश में आधा पार्ट था और आधा बंगाल, पश्चिम बंगाल स्टेट है आज की डेट में, उसमें जो है कमेटियाँ नियुक्त की गई, और उसमें जो है अलग अलग कानून बनाए गए। तो इसे हम अगर अलग अलग बांटें तो जो लेबर लॉस के डेवलपमेंट को, तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्टेज आती है जो 1850 से लेकर 1918 तक माना जा सकता है। फिर सेकंड प्रगतिकाल डेवलपमेंट पीरियड आता है जो 1919 से 1945 तक माना जा सकता है, और तीसरा जो पूर्ण जो है मैच्योरिटी पीरियड या पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड जो 1946 से अब तक, इंडिपेंडेंट तो 1947 में मिली लेकिन लेबर लॉस के लिए 1946 के काल से जो है पूरा डेवलपमेंट शुरू हो गया था, तो उसे 1946 से कह लीजिए या 1947 से कह लीजिए, 1947 से आगे तक का माना जाता है। प्रारंभिक जो काल था 1900, तो सबसे पहले 1855 में इंडियन फेटल एक्सीडेंट एक्ट पास किया गया। इससे पहले ये था कि जो दुर्घटना होगी उद्योगों में उसमें किसी पक्ष का दायित्व नहीं होता था, किसी पार्टी का दायित्व नहीं होता, तो इसमें जो है इसको दायित्व दिन बनाया गया कि फेटल एक्सीडेंट होगा और उस पर कंपनसेशन का प्रावधान किया गया। 1887 में एम्प्लाइज एंड वर्कमैन डिस्प्यूट्स एंड फैक्ट्रीज एक्ट पास किया गया जो है एम्प्लाइज के अगेंस्ट। उसके बाद 1875 में फैक्ट्री कमीशन की सिफारिशें सामने आई, और उसके बाद जो है फैक्ट्रीज एक्ट जो है लागू हुआ 1911। अब उसके बाद सेकंड काल जब हम देखते हैं तो सेकंड काल में कर्मकार प्रतिकार अधिनियम लागू हुआ, इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट लागू हुआ 1923 में, उसके साथ साथ उसके बाद 1926 और 1934 में इसमें संशोधन हुए। रॉयल कमीशन की 1933 में सिफारिशें आईं। 1934 में इंडियन डाक लेबरर्स एक्ट पास हुआ। 1935 में फिर रॉयल कमीशन की सिफारिशें आईं, और 1933 में चिल्ड्रेन फ्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट पास किया गया। उसके बाद खान मजदूरों को सुरक्षा देने के लिए कोल माइंस वाले जो है द कोल माइंस सेफ्टी स्टोइंग एक्ट 1937 पास हुआ, ये इस काल में पास। उसके बाद जो प्रौढ़ता का काल है, जो मैच्योरिटी काल जिसे हम कहते हैं 1946 वाला, उसमें एक क्रांति आई, आज़ादी भी मिल गई थी तब 15 अगस्त 1947 के बाद। तो उसमें जो है 1947 में औद्योगिक विवाद प्रतिशोध अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 पास हुआ।
इसके जो मेन उद्देश्य थे वो ये थे कि नियोजकों तथा कर्मकारों के बीच सद्भाव और अच्छे संबंध कायम करने के उपाय किए जाएं, काम से लौटाने और छटने के मामलों में कर्मकारों को कंपनसेशन दिया जाए जो लेबर है, अवैध हड़ताल तथा तालाबंदी पर रोक लगाई जाए कि अवैध हड़ताल भी ना हो और तालाबंदी भी ना हो, और नियोजक नियोजित यानी एम्प्लायर और एम्प्लाई के जो संबंध हैं वह या विवाद जो हों संबंध अच्छे रखे जाएँ, और विवादों की जाँच समझौता के लिए जो है एक जो है वो अथॉरिटीज़ हों जिससे शांतिपूर्ण से जो है ढंग से उसका समझौता किया जा सके। यही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के डेवलपमेंट की भी बात हुई। अब हम बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट भी यही हो गए और इसके जो रीजंस थे इसे लागू बनाने के एक्ट के कि सब ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है क्यों बनाया जाए, तो इसमें भी यही रीज़न थे कि सब इसके इस जिन चीज़ों को जो जो मैंने बताया उनके लिए इसे बनाया जाए। अब इसकी डेफिनेशन की बात होती है, तो डेफिनेशन की जो बात है उसमें मेनली डेफिनेशन जो है वो इंडस्ट्री की है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है और इंडस्ट्रीज के डिस्प्यूट्स को ही इसे देखना है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को देखना है, तो ये अब डिस्प्यूट्स है क्या। तो इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कई तरह से होते हैं, जैसे वर्कमैन टू वर्कमैन, वर्कमैन और वर्कमैन दो वर्कमैन में डिस्प्यूट, एम्प्लायर और वर्कमैन में डिस्प्यूट, और एम्प्लायर और दूसरे एम्प्लायर में डिस्प्यूट, इस तरह के ये डिस्प्यूट जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन है सेक्शन 2K में दी गई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के, और इंडस्ट्री इसमें एक डेफिनेशन बहुत मेन है, उसमें सेक्शन 2A में दी गई, और 1982 में बहुत सारे जो है डिसीज़न आए, तो 1982 में इसे अमेंड किया गया है, और अमेंडेड के बाद जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन है उसमें क्या है, एनी कैपिटल हैज़ बीन इन्वेस्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ कैरिंग ऑन सच एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को कैरिंग करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट होनी चाहिए, दूसरा सच एक्टिविटीज़ कैरीड ऑन विद मोटिव टू मेक गेन प्रॉफिट, प्रॉफिट को गेन करने के लिए वो एक्टिविटी चलनी चाहिए, तो इसमें जो है एंड इंक्लूड, इसमें ये लिखा एंड इंक्लूड एनी एक्टिविटी ऑफ द डॉक लेबर बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये एनी एक्टिविटी प्रमोशन सेल और बिजनेस कैरीड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, लेकिन इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है बट डज नॉट इंक्लूड, यानी ये तो शामिल होंगे और ये शामिल नहीं होंगे, जो शामिल नहीं होंगे एग्रीकल्चर ऑपरेशन शामिल नहीं होगा, कृषि की जो क्रियाएं हैं, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी भी शामिल नहीं होंगी, एजुकेशनल साइंटिफिक रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शामिल नहीं होंगे, इंस्टीट्यूशन ओन्ड और मैनेज बाई ऑर्गेनाइजेशन होली और सब्सटेंशली इंगेज इन एनी चैरिटेबल सोशल सर्विसेज के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे वो नहीं होंगे, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज नहीं होगी, एनी एक्टिविटी गवर्नमेंट रिलेटेड जो सॉरेन फंक्शन में जो है गवर्नमेंट एक्टिविटी होती है वो नहीं होगी, जो स्टेट का फंक्शन होता है, एक डोमेस्टिक सर्विस घरेलू सर्विस जो है वो जो है इसमें नहीं शामिल होगी इंडस्ट्री में, एनी एक्टिविटी बीइंग ए प्रोफेशनल प्रैक्टिसाइज बाई एन इंडिविजुअल और बॉडी इंडिविजुअल, जो प्रैक्टिस वाली जो ये जो है एक्टिविटी होती हैं वो भी शामिल नहीं होंगी, जैसे डॉक्टर वगैरह इसमें शामिल नहीं होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्लब और ऐसी बॉडी जहाँ पर 10 से कम लोग सर्विस करते हैं उसे भी इंडस्ट्री नहीं माना जाए। तो ये इंडस्ट्री और इंडस्ट्री डिस्प्यूट की परिभाषा हुई कि भाई क्या क्या चीज़ इसमें हैं, क्या क्या चीज़ नहीं है। अब बात इसमें है कि क्या कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत जो इनका निपटारा करेंगी। पहली है कंसाइलेशन मशीनरी, जो कंसाइलेशन करती है, जिसमें वर्किंग कमेटी होती है जिसमें इक्वल मेंबर होंगे कि भैया ऐसा है कि झगड़े क्यों हो,
तो उसके लिए एक कमेटी है कंसाइलेशन, एक कंसाइलेशन ऑफिसर होगा जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यानी स्टेट के मामले में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, तो वो कंसाइलेशन ऑफिसर होता है। एक कंसाइलेशन बोर्ड होता है, कंसाइलेशन बोर्ड जो भी गवर्नमेंट भी बनाती है, और वो दोनों पार्टीज़ को जो डिस्प्यूट वाली पार्टीज़ हैं उनको बैठ के जो है मामला सुलटाने का कोशिश करता है। अब एजुकेशन में जो है मशीनरी होती हैं कि जो जब डिस्प्यूट हो गया तो कौन निपटाएगा, तो लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाती है सेक्शन 7 में। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, और जो है ये जो है उसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उस मामले को भेजती है। वहाँ पे लेबर कोर्ट में तो कोई भी मामला जा सकता है जो संबंधित है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विच रेफर्ड बाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भेजेगा वही जाएगा लेबर कोर्ट में भी, और 7A में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होगा, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को भी जाएगा, उसके बाद नेशनल ट्रिब्यूनल होगा और वो जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से कनेक्ट होगा उसे नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को भेजा जा सकता है। ये उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 6 में बनाती है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की जांच करती है। आर्बिट्रेशन मशीनरी होती है कि जो पंच निर्णय की बात करती है, आर्बिट्रेशन की बात करती है, जो वॉलेंट्री इम्प्लाई और वर्कमैन जो है फ्री कंसेंट से उस पर आर्बिट्रेशन करा सकते हैं। ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें होती है। अब सवाल ये है कि क्या ये मेजर सफिशिएंट हैं, तो ये भी ये है कि ये 5 मशीन भी हैं, लेकिन इस ये जो है बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानती है कि ये ऐसी सिचुएशन है, इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री ने बना रखी है और उसे देख रही है। और लिमिटेशन की बात है कि भाई कितने दिन में इसका वो किया जा सकता है, तो लिमिटेशन के लिए इसमें कोई पीरियड नहीं है, इसका मतलब लिमिटेशन एक्ट के प्रोविज़न लागू नहीं होते हैं। अब बात हम करते हैं स्ट्राइक और लॉकआउट की। स्ट्राइक क्या होता है कि स्ट्राइक की डेफिनेशन सेक्शन 2Q में दी गई है कि एज ए सीजेशन ऑफ ए वर्क बाई ए बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लाइड इन एन इंडस्ट्री एक्टिंग इन कम्बिनेशन और ए कंसर्ट रिफ्यूजल और ए रिफ्यूजल अंडर ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन हु आर और हैव बीन सो एम्प्लाइड टू कंटिन्यू टू वर्क और एक्सेप्ट एम्प्लाइड। जो एम्प्लाई हैं वो कॉमन जो है कंसेंट से जो जब काम नहीं करते हैं तो वो जो है स्ट्राइक में आ जाता है, रिफ्यूज़ करते हैं काम करने को। तो इसकी जो अगर हम एलिमेंट देखें, एसेंशियल एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इंडस्ट्रियल स्टेटमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसके में जो 2Q की डेफिनेशन है उसमें इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, रिफ्यूज़ल ऑफ वर्क होना चाहिए। तीसरा ये कि माउंट प्रेशर ऑन एम्प्लायर डिमांड को पूरा करने के लिए, उस पर प्रेशर बनाने के लिए होना चाहिए। अब कंडीशन क्या है, कह रहे साहब इसमें भी कंडीशन लिखी हुई है कि 6 हफ्ते जो अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के मामले में ये शर्तें लागू होंगी, उसमें ये है कि जो नोटिस है वो 6 हफ्ते का देना पड़ेगा और 14 दिन का जो है मतलब स्ट्राइक पे जाएंगे 6 हफ्ते का नोटिस और 14 दिन का नोटिस कि इस डेट से स्ट्राइक पे जाएंगे वो देना पड़ेगा। और जो कंसाइलेशन अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग है अथॉरिटी में, तो जो है उसके 7 दिन के बाद ही कंक्लूजन के जो है ये प्रोसीडिंग हो सकती है। अब स्ट्राइक इलीगल भी होगी, तो कब होगी स्ट्राइक, जब जो है सेक्शन 22 का यानी ये जो नोटिस वाला सेक्शन 22 का प्रोविज़न है उसका पालन नहीं किया जाएगा, या सेक्शन 23 के कंट्रावेंशन में की जाएगी, अब स्ट्राइक और लॉकआउट होता है। एक तो स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक ये हुआ कि जब मैंने बताया आपको, एक लॉकआउट हुआ कि जो है इंडस्ट्री का मालिक ये कहता है कि साहब मैं तो बंद ही कर रहा हूँ, जाओ छुट्टी हो गई तुम्हारी, तो ये लॉकआउट हुआ। अब इसमें डिस्टिंक्शन क्या है स्ट्राइक और लॉकआउट में, कि इन स्ट्राइक द वर्क इज स्टॉप्ड बाय द इन इंडस्ट्री बाय ए सेक्शन ऑफ वर्कर्स, और इन लॉकआउट द एम्प्लायर
क्लोज द प्लेस ऑफ एम्प्लॉय, कि भाई लॉकआउट में उसने बंद ही कर दिया काम, जो एम्प्लॉयमेंट की जो जगह है उसे बंद कर दिया, वो लॉकआउट हो गया। और स्ट्राइक में ये कि वर्कर ने काम बंद कर दिया, जगह खुली हुई है लेकिन हम काम नहीं कर रहे, यानी काम दोनों में बंद होगा, एक में जगह बंद होगी, एक में काम करने वाले बंद नहीं करेंगे काम। दूसरा, स्ट्राइक इज़ ए वेल पावरफुल वेपन है कि उसे कंपेल कर दें, और लॉकआउट जो है एम्प्लॉयर के हाथ में एक तरह से वेपन है, वो डिस्करेज करे स्ट्राइक करने, और उसे जो है कि साहब हम तो इंडस्ट्री बंद कर देंगे, जाओ घर बैठो। स्ट्राइक द वर्कमैन रिफ्यूज टू वर्क इन लॉकआउट, द एम्प्लॉयर रिफ्यूज टू गिव एम्प्लॉयमेंट, तो जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट देने को ही वो जो है वो मना करता है। अब एक चीज़ और आती है, रिट्रेंचमेंट यानी छटनी। लॉकआउट इज मेड टेम्परेरी, तो भाई इसका पहला फर्क ये है कि लॉकआउट टेम्परेरी होता है, कुछ दिनों के लिए उसने लॉकआउट किया, जो है ये ज़रूरी नहीं है हमेशा के लिए कर दिया। जबकि रिट्रेचमेंट जो है परमानेंट होता है, कि भाई उसने छटनी कर दी कि साहब ये ख़राब आदमी है, ये हमारे काम का नहीं है, उसे निकाल दिया, जो ज़्यादा नेतागिरी कर रहा है उसे हटा दिया, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर और जो रिलेशन जो है टर्मिनेट हो जाते हैं जो है, लेकिन टर्मिनेट नहीं होते, सस्पेंड होते हैं लॉकआउट। जबकि इसमें टर्मिनेट हो जाते हैं, संबंध ही खत्म हो गया, जब छटनी हो गई तो ना तुम एम्प्लाई ना हम एम्प्लायर। लॉकआउट इज डिक्लेयर्ड बाय वे ऑफ रिप्राइजल अगेंस्ट द वर्कमैन, जो लॉकआउट जो है डिक्लेयर किया जाता है कि वर्कमैन के खिलाफ कुछ काम हो गया है तो इसलिए वो उसकी वो करेगा। और जबकि रिट्रेचमेंट जो किया जाता है तो उसे डिक्रीज करने के लिए नंबर को वर्कमैन के वो किया जाता है कि कभी कम कर दें, हम अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर दें। द लॉकआउट इज रिलेट्स विद द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द रिट्रेचमेंट इज टोटली कंसर्न विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्कमैन, तो ये तो एम्प्लॉयमेंट से संबंध है, वो प्लेस से संबंध है। तो ये बात थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। अब हम बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। अब सवाल ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कंपनसेशन देने के लिए जो है वर्कमैन को, जो कर्मचारी है उसे एम्प्लॉयर जो है वो बाध्य है, किन किन परिस्थिति में बाध्य है, इसका प्रोविज़न सेक्शन 3 में कह किया है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की, कि पर्सनल इंजरी काज टू द एम्प्लॉय, ठीक है। पहला, एम्प्लॉय को पर्सनल इंजरी है, ये इंजरी इज रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, रिजल्ट एक्सीडेंट के रिजल्ट में होना चाहिए, यह एक्सीडेंट टुक प्लेस आउट एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी काम के सिलसिले में उसकी को वो जो है एक्सीडेंट होना चाहिए। उसका इफेक्ट क्या होगा कि अगर आप की डेथ बाई डे ऑफ डेथ बाई वे ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय में भी मिलेगा कंपनसेशन एक। दूसरा, इन कैपेसिटीज द एम्प्लॉय एंड ही इज डिसेबल्ड देयर बाई पार्शली और टोटली, दूसरा इनकैपेबिलिटी जो है ये डिसेबल हो गया पार्शली या टोटल डिसेबल हो गया, या तीसरा जो है ये डिसेबल हो गया काम करने के लिए 3 दिन से ज़्यादा के लिए, मतलब मोर देन 3 डेज, 3 दिन से ज़्यादा के लिए। तो इसका जो वो है, अब वो है कि कंपनसेशन दिलवाया जाए। इसमें क्या जो है एम्प्लॉयर कब लाइबल होगा, क्या वो जो साबित करना पड़ेगा, इसमें ये 6 चीज़ें जो है साबित करनी ज़रूरी होंगी, कि एक्सीडेंट जो टुक प्लेस है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयर और इन एनी अदर प्रीमिसेस रिलेटेड टू दैट, यानी जो एक्सीडेंट हुआ है वो एम्प्लॉयर के इस्टेब्लिशमेंट में हुआ है या उसकी अदर प्रीमिसेस में हुआ है, पहली बात। दूसरा ये कि एक्सीडेंट जो है काम के दौरान हुआ है, एक्सीडेंट एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ है, और एम्प्लॉई जो है को जो है कोई चोट लगी है, इंजरी हुई है ड्यू टू दैट एक्सीडेंट, और
उसके बाद एक्सीडेंट जो रिज़ल्ट है उसका डिसेबिलिटी है, चाहे पार्शल हो, टोटल हो, टेम्परेरी हो, परमानेंट हो। और छठी बात यह है कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इम्प्लाई की नहीं है। अगर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है तो उसे कंपनसेशन का अधिकार नहीं। अब इसमें कंपनसेशन के साथ साथ पेनल्टी का भी प्रोविजन है। तो पेनल्टी कब पड़ेगी कि एम्प्लॉयर जो है कंपनसेशन देने में एक महीने तक, जब कंपनसेशन ड्यू होगा उससे एक महीने तक अगर इनकार करता है, एक महीने के अंदर भुगतान नहीं करता है तो वो ड्यू डेट हो गई, एक महीने के अंदर ड्यू डेट से, तो उसे इंटरेस्ट के तौर पे 12% पर इंटरेस्ट पर एनम देना पड़ेगा। लेकिन जो 50% जो टोटल अमाउंट है, रिकवर्ड अमाउंट है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर वो नहीं देता है तो क्या होगा, इसके लिए कमिश्नर की नियुक्ति होती है। सेक्शन 20 में स्टेट गवर्नमेंट करती है। उस कमिश्नर की जो कमिश्नर के यहाँ हम जा सकते हैं। कमिश्नर की जो पावर है वो ये राइट रहता है कि अगर उसने पेमेंट नहीं किया है कंपनसेशन का एक महीने के अंदर ड्यू होने से, तो जो है वो कंपनसेशन उसे दिलवाएगा और साथ में वो पेनल्टी भी दिलवाएगा। और जो है अपने ऑर्डर को जो है उसका जो है वो पालन करवाने का भी उसको उसको अधिकार। अब इसकी जो अपील है सेक्शन 30 में कमिश्नर के ऑर्डर की जो अपील है वो हाई कोर्ट को होगी। कमिश्नर के ऑर्डर की अपील जो है सेक्शन 30 में हाई कोर्ट को हो सकती है। हाई कोर्ट उसे उसकी अपील को डिसाइड। अब बात हम ESI के करते हैं, एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एक तरह से बेनिफिट देने के लिए एम्प्लाइज को बनाया गया है। इसमें के जो स्कीम है वो ये है कि ये एम्प्लायर और एम्प्लाई दोनों अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं और वो कंट्रीब्यूशन एम्प्लायर जमा करता है अपने अपने कंट्रीब्यूशन को, मतलब उसकी सैलरी में से काट लेता है और जो है वेजेस में से सैलरी में से काट लेता है और उसमें से अपना कंट्रीब्यूशन जोड़ के वो जमा करता है गवर्नमेंट को। तो वो जो है ये बेनिफिट सेक्शन 46 से जो 73 तक बेनिफिट दिए गए हैं वो बेनिफिट गवर्नमेंट उस एम्प्लाई को देती है। तो इसमें पहली बात ये कि सिकनेस बेनिफिट मिलेगा उसे, जो है सिकनेस के लिए वो हॉस्पिटल वगैरह भी खोलते हैं ये ESI अपने, और अगर नहीं है तो वो जो है कहीं इलाज कराता है तो उसको लोग मेडिकल ट्रीटमेंट का भी खर्चा देते हैं। दूसरा मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, तो जो है उसमें जो है जब उसे ये क्लेम जो है वो जो वीमेन है वो कर सकती है मैटरनिटी बेनिफिट। इसके बाद डिसेबिलमेंट बेनिफिट भी देते हैं कि अगर सेक्शन 51 में कि कोई व्यक्ति अगर टेम्परेरी डिसेबिलमेंट हो जाता है जो 3 दिन से कम का नहीं है तो जो है उसे उसके लिए जो है एक अमाउंट जो है फिक्स है उस अमाउंट को एंटाइटल हो जाता है। डिपेंडेंट बेनिफिट देते हैं अगर डिसीज किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या जो है वो पार्शली या होली वो हो जाता है तो उसे जो है ये बेनिफिट दिया जाता है डिपेंडेंट बेनिफिट, उसके डिपेंडेंट को बेनिफिट दिया जाएगा। इसके बाद मेडिकल बेनिफिट भी दिया जाता है कि मेडिकल बेनिफिट दिया जाएगा सेक्शन 56 में उसके उसके ट्रीटमेंट के लिए, अटेंडेंस के लिए। और साथ में छठा है फ्यूनरल बेनिफिट, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 5,000 रुपये का फ्यूनरल का भी खर्चा जो है उसकी अंतिम यात्रा का खर्चा जो है अंतिम कार्यक्रम का भी दिया जाएगा। तो ये सारे जो बेनिफिट है वो जो है ESI एक्ट के अंतर्गत इसे मिलते हैं। इसके अलावा ESI एक्ट ने जो है एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कोड का भी जो है वो है, और उसमें सेक्शन 75 में जो है उसका जुरिसडिक्शन है कि कौन कौन से केस डिसाइड किए जाएंगे इसमें। उसमें यह है कि अब जो एम्प्लाई है
और वेदर ही इज़ लेबल टू पे एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। पहली बात ये है कि ये तय कर सकती है कोर्ट कि वो पर्सन जो है एम्प्लॉई है या नहीं है। रेट ऑफ वेजेस एंड रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन पेएबल बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉई, यानी कितना कंट्रीब्यूशन है, कि क्या वेजेस मानी जाएगी, क्या कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, ये तय करेगी। एनी डिस्प्यूट वेदर ए पर्सन हु इज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ, तो ये डिस्प्यूट है कि भाई कौन प्रिंसिपल है, एम्प्लॉयर है या कौन नहीं है, तो ये भी डिस्प्यूट ये किया जाएगा। और राइट और बेनिफिट का जो क्या क्या है और कितना मिलना चाहिए, ये भी कोर्ट जो है इसको तय कर सकती है। क्लेम जो है कोई है क्लेम को रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मतलब कंट्रीब्यूशन का जो कितना करना है उसका क्लेम भी तय जो है ये कोर्ट कर सकती है। और जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अगेंस्ट का जो वो है क्लेम है वो भी यही कर कोर्ट तय कर सकती है। और सातवां ये है कि सेक्शन 70 में रिकवरी के जो बेनिफिट की वे रिकवरी है उसकी भी वैल्यू ये तय कर सकती है, रिकवरी करा सकती है। ए क्लेम ऑन रिकवरी ऑफ एनी बेनिफिट जो जो इस एक्ट के अंतर्गत दिया जा सकता है उस उसको बेनिफिट को भी तय ये जो है ESI को कर सकती है। अब हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की। तो इसका जो इतिहास है वो ये है कि 1851 में जब पहली जूट मिल तय वो हुई, तो जूट मिल हुई उद्योग हुए, उसके बाद मॉडर्न सिस्टम में अलग अलग जो है एम्प्लाई हो गए हुए, तो उसके बाद लेबर एसोसिएशन बनने शुरू हुई। तो 1926 में इसे कोडिफाइड करके एक एक्ट बना दिया गया जिसमें जो है ट्रेड यूनियन एक्ट जिसे कहा गया 1923 का। अब इसमें ट्रेड यूनियन एक्ट में सबसे पहली बात यह है कि इसकी सेक्शन 25 ये कहती है कि 15 से 18 के जो है 15 साल से ज़्यादा एज वाले जो है इसके मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफिस बियरर जो है 15 से 18 साल की एज के जो वो एम्प्लॉई होंगे वो नहीं। और इसमें साथ साथ बात ये है कि जो ऑफिस बियरर हैं वो 50% बाहर के भी हो सकते हैं, कि मतलब वो एम्प्लॉई नहीं है फिर भी जो है उसके मेंबर हो सकते हैं और उसके ऑफिस बियरर भी हो सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार की व्यवस्था है सेक्शन 3 में, ये सब उसमें रजिस्ट्रार है। और रजिस्ट्रार के जो पावर हैं वो ये हैं कि वो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को डिसाइड करेगा, इनके डिस्प्यूट को भी अगर कोई जो है आपस में है तो डिस्प्यूट को भी डिसाइड कर सकता है। उसके बाद कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन का कर सकता है, अगर सेक्शन 10 में जो है कैंसिल की जा सकती है। विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन जो दी जाती है एज ए ट्रेड यूनियन उसे विड्रॉ कर सकता है। तो कैंसिलेशन जो है एप्लीकेशन ट्रेड यूनियन मेंबर के एप्लीकेशन पे भी वो कर सकते हैं, और अगर गड़बड़ सड़बड़ हो तो एट द विल ऑफ रजिस्ट्रार भी जो है इसको जो है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। अब रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन दी जाएगी पहली बात, जिसमें नेम मेंबर्स के नेम होंगे, ऑक्यूपेंट होंगे, ऑक्यूपेशन होगा और एड्रेस होगा, और ट्रेड यूनियन का नाम होगा और प्रिंसिपल प्लेस ऑफिस का नाम होगा, टाइटल होगा ऑफिस बियरर का, और अगर 1 साल से पहले से वो अगर एग्जिस्टेंस में है तो उसकी लाइबिलिटी वगैरह का भी विवरण जो है उसमें देना पड़ेगा। ये सारा देने के बाद प्रोसीजर ये होता है कि रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रार उसकी जांच करेगा उनके, और रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर कर देगा और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। अब रजिस्ट्रार जो है उसे कैंसिल कर सकता है सेक्शन 10 में, उसमें कब कैंसिल कर सकता है कि या तो कैंसिलेशन एप्लीकेशन दी गई हो कि साहब इसे कैंसिल कर दिया जाए खुद ही, या रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेंड फ्रॉडुलेंटली यानी धोखे से जो है या गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन लिया गया हो, या गलत मिस्टेक से दे दिया हो, गलती से दे दिया गया हो, या उसने अपनी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दी हो, तो भी इसे जो है
ख़त्म किया, जो है रजिस्ट्रेशन ख़त्म किया जाता है, या उसने उस यूनियन जो ट्रेड यूनियन एक्ट के प्रोविज़न का जो प्रावधान है उसका वायलेशन किया हो, तब भी वो किया जा सकता है। या जो प्राइमरी और स्टेशनरी एम है वो जो है गेन करना जो है इम्पॉसिबल हो जाए तो भी इसे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। या जो रूल भी एडवाइज्ड किए जाएं रजिस्ट्रार के द्वारा अब अमेंड करने के लिए वो उससे इनकार किया जाए तो भी रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि रजिस्टर्ड जो ट्रेड यूनियन होगी उसके क्या राइट होंगे या क्या लाइबिलिटीज़ होंगी। राइट में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कॉर्पोरेट बॉडी हो जाएगी, एक बॉडी रजिस्टर्ड हो जाएगी, उसकी लीगल बॉडी हो जाएगी। जो उसके सक्सेशन का राइट हो जाएगा वो कॉमन सील हो जाएगी, और बाय एंड सेल कर सकेगी क्योंकि लीगल बॉडी हो जाएगी, वो इम्यूवेबल और इम्यूवेबल जो है प्रॉपर्टी को खरीद या बिक्री कर सकेगी, कंट्रैक्ट में एंटर हो सकेगी अपने नाम से अपनी, क्योंकि अपना उसके एक लीगल एंटिटी हो गई, जो है सूट कर सकेगी अपने नाम से मुकदमा कर सकेगी और नेगोशिएट और कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकेगी बहुत सारे मैटर्स में और डिस्प्यूट्स के मैटर में। अपने मेंबर को पनिश करने का राइट हो जाएगा उसको, और राइट टू हैव इट्स ओन नोटिस बोर्ड एंड रिलाइज द मेंबरशिप फीस ले सकेगी, प्रीमिसेस और डिपार्टमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कर सकेगी या अपना नाम चेंज कर सकेगी, और राइट टू ट्रांसफ़र इट्स ओन ऑफिस और अपने ऑफिस को ट्रांसफ़र करने का राइट मिल जाएगा उसे, राइट टू एमलगेशन विद अदर यूनियन दूसरी यूनियन में जुड़ने का राइट मिल जाएगा, और ये इस इट कैन फॉर्म ए फेडरेशन आल्सो, मतलब कई सारी यूनियन को मिला के फेडरेशन भी इससे बनाई जा सकेगी। अब लाइबिलिटीज़ क्या होंगी रजिस्टर्ड यूनियन की। इसमें यह है कि रजिस्टर्ड ड्यूटी और लाइबिलिटी जो हो गई, अकाउंट बुक्स प्रेजेंट करेगी वो रजिस्ट्रार के सामने, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन और एग्जामिन कराएगी रूल्स के हिसाब से, ऑफिस बेयर्स एंड मेंबर्स की कॉपी देगी डिमांड करने पर उनके, और जो है प्रोविज़न जो एक्ट के हैं उसका पालन करेगी। अब बात आती है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की। अब पहले ये होता था इससे पहले कि ऐसा कोई जो आपस में तय हो गई वही वेजेस हो गई, चाहे वो कितनी भी कम हो, तो गवर्नमेंट ने इसे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 बनाया। तो उसमें ये गवर्नमेंट तय करती है कि क्या वेजेस मिनिमम होगी, उससे कम किसी व्यक्ति को वेजेस नहीं दी जा सकती है, किसी एम्प्लाई को वेजेस नहीं दी जा सकती है, और एम्प्लाई वाइज जो है वेजेस जो है इसमें तय कर दी जाती हैं कि भाई इतनी मिनिमम वेजेस होगी। तो इसमें जो मिनिमम वेजेस तय करने के लिए प्रोविज़न है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसे तय करती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के मामले में, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल के मामले में, जो वेजेस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज ऑथोराइज टू फिक्स मिनिमम वेजेस। अपने मिनिमम वेजेस जो है चार तरह की तय करती है, ए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर टाइम वर्क के लिए मिनिमम टाइम रेट, मिनिमम प्राइस रेट पीस वर्क के लिए, मिनिमम गारंटी रेट एक तय करती है, और एक ओवर टाइम रेट भी तय करती है। ये जो है अलग अलग जो है रेट इसके हिसाब से तय करती है, और मिनिमम वेजेस जो बेस्ड होती है वो डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए, डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क के लिए, एडल्ट जो है चिल्ड्रेन और अप्रेंटिस के लिए अलग अलग, और डिफरेंट लोकेलिटीज़ के लिए भी अलग अलग जो है तय की जाती है। और जो अलग अलग तय की जाती है इसमें बाई द आवर, घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से, और लार्जर वैल्यू के हिसाब से जो है ये तय की जाती है, और उसका जो रिवीजन भी है वो रिवीजन भी किया जा सकता है।
ये जो आपको जानकारी दी गई ये बिल्कुल सिलेबस की एक बहुत शॉर्ट जानकारी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस सिलेबस में, इस पेपर में है क्या क्या। बाकी तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह से इसकी जानकारी करनी है और वही आपकी तैयारी है, या ये आपके रिवीजन के लिए याद कराने के लिए हो सकता है कि हाँ सर ये एक्ट ये होता है, इसकी तैयारी आपको जो है मेनली अपने नोट्स से और अपने जो है टेक्स्ट बुक से करनी है। बाकी